हेलो फ्रेंड, फिर से नोटिफिकेशन आपके लिए। आज का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। क्या क्या नोटिफिकेशन, सारे डिटेल्स इस वीडियो में। चैनल मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को। यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेंगे, चेकआउट करना है। और ये पे नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वैकेंसीज और रिजल्ट सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये पे PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं सारे। तो देखते क्या क्या नोटिफिकेशन आपके। UPPCL रिक्रूटमेंट 2022 यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL। टोटल पोस्ट यहाँ पे 1033। यहाँ पे पोस्ट नेम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री। और जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब। ऑनलाइन यहाँ पे मोड अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन। और लास्ट डेट 12 सितंबर 2022। और जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश। ऑफिशियल वेबसाइट www.upenergy.in ऑफिशियल वेबसाइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते आपको कंप्लीट डिग्री। देख सकते कैंडिडेट्स हैव कंप्लीट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे देख सकते आपको एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे 21, मैक्सिमम 40 है। और आपको अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेबल एज GST 1180 rupees और 826 rupees फॉर ST SC PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। और आप एग्जाम फी आप ऑनलाइन दे सकते हैं यहाँ पे। और पे सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं आपको 27,000 से 86,000 पर मंथ। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। आपको फर्स्ट टाइम ऑफिस वेबसाइट विजिट करना होगा। आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जॉब नोटिफिकेशन PDF सारे रीड करना है। आपको ऑफिसर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ऑनलाइन। आपको ऑफिस में डायरेक्ट आप क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा।